दोस्तों आज का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही कूल, यूनिक एंड स्टाइलिश है। बट आपके मन में अभी भी इसको लेकर चल रहा होगा कि आखिर ये जो चीज़ है वो है क्या। बट अगर आप पबजी या भी जी मैं वगैरह खेलते हैं तो आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि ये एक लेवल 3 का हेलमेट है जो कि गेम के अंदर हमें हेडशॉट से बचाता है और हेड पे पड़ने वाला जो डैमेज है उसको कम करता है। गेम के अंदर ये काफ़ी ढूंढने के बाद मिलता है, बट हमें ये काफ़ी आसानी से मिल गया। दोस्तों इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो है ये रेड कलर की LED लाइट्स जो कि बॉक्स को ओपन और क्लोज करने ऊपर ब्लिंक करती है। ये जो लाइट्स हैं वो आईज की शेप में लगी हुई हैं और जब ये ब्लिंक करती है तो ये काफी कूल लगती है। दोस्तों ये है सुपर बर्ड्स प्रो GT9 और ये नंबर ब्रांड की तरफ से आती है और यहाँ पर आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये ब्लूटूथ 5.3 पर वर्क करता है, ENC एंड होल स्विच मिल जाता है, 13mm ड्राइवर के साथ आता है, टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये IPX4 की रेटिंग के साथ आता है, गेम एंड ऑडियो ड्यूअल मोड्स मिल जाते हैं, टाइप सी फास्ट चार्जिंग मिल जाती है यहाँ पे आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की यहाँ पर आपको 300mAh का बैटरी बैकअप मिल जाता है एंड 48 आवर्स का प्ले टाइम आता है। और ये गेमिंग बर्ड्स हैं इसलिए यहाँ पर आपको 40-50 लोड लेटेंसी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ इसकी पैकेजिंग की तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की पैकेजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ऊपर की तरफ इसकी जो ब्रांडिंग है वो यहाँ मिल जाती है, सुपर बर्ड्स प्रो GT9 ENC गेमिंग TWS, एंड इसके लेफ्ट एंड राइट साइड्स पर भी आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर इसका स्लोगन है बिलीव अचीव एंड राइज। नीचे की तरफ इसके जो फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर मेंशन है। उसको ओपन करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैनल के ऊपर मैं नए नए और कमाल के गैजेट्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करता रहता हूँ, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना ताकि आपको मिले हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले एक यूज़र मैनुअल है, वारंटी कार्ड है, उसके अलावा ईयरबड्स मिल जाते हैं, सी टाइप की जो चार्जिंग केबल है वो यहाँ पे मिल जाती है, 2 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा सिलिकॉन रबर बड्स है। तो दोस्तों सब चीज़ों को रखते हैं साइड में और आते हैं ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी पर। तो यहाँ पर इसकी जो पूरी बॉडी है वो पूरी टफ प्लास्टिक की बनी हुई है, मतलब कि मजबूत है, और अगर ये एक दो बार गिर भी गई तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपको हमेशा की तरह दो बर्ड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि लुक वाइज काफ़ी अच्छे हैं। ये हमें कुछ स्पोर्टी सा लुक दे रहे हैं और इनके बैक साइड में लाइट्स हैं जो कि पेयरिंग मोड के ऊपर जलती है। इन पर अगर हम सिंगल टैप करते हैं तो गाने वगैरह जो हैं वो पॉज हो जाते हैं, डबल टैप करके आप नेक्स्ट सॉन्ग पर चले जाओगे और प्रीवियस सॉन्ग पर जाना है तो आपको किसी भी ईयरबड के ऊपर 3 बार टैप करना है। बाकी लुक्स वगैरह तो आपने देख लिया, बातें इसकी साउंड क्वालिटी के ऊपर, तो मैं इनको पिछले 5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और इसकी जो साउंड है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसके अंदर आपको हाई बेस मिल जाती है और इसकी जो वोकल्स वगैरह हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तो अगर आपको हाई बेस पसंद है तो आप इन ईयरबड्स की तरफ जा सकते हो। ये लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा कूल है और कनेक्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो अगर आप इनको परचेज करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ पर जाके इसको परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।